हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल निखतन इंडियन। और आज मैं जा रही हूँ दिल्ली से जयपुर बाय कार। तो मैं आपके साथ छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितने बीच बीच में टोल बूथ आएंगे और ये सब चीज़ें। सो हम निकल चुके हैं अपने घर से और सबसे पहले हमें सीधे पहुँचना होगा गुड़गांव, क्योंकि दिल्ली से जयपुर जाने के लिए आपको गुड़गांव क्रॉस करते हुए जाना होगा। और हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस की तरफ से होते हुए। तो पहले हम नेहरू प्लेस क्रॉस करेंगे। ये देखिए नेहरू प्लेस, कालका जी आपको दिख रहा है ऊपर जो बोर्ड्स लगे हैं उस पर। तो हम नेहरू प्लेस से निकलते हुए उसके बाद जो है अभी 60 की स्पीड है क्योंकि हम सिटी में हैं और बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह हैं। टाइम हो रहा है 9:30 या 10 के आसपास और ऑफिस टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी लोग बाहर निकले हुए हैं। हम फिर एयरपोर्ट मूलचंद की तरफ निकलेंगे नेहरू प्लेस से, अगर आप उस साइड से आएंगे तब ठीक है। और उसके बाद आप पूरा क्रॉस करते हुए यू कैन सी दैट प्लेन लैंड हो रहा है वो प्लेन। एंड आई टोल्ड यू कि ऑफिस टाइमिंग है, इस वजह से आप भीड़ देख सकते हो यहाँ पे। इस टाइम पूरा ट्रैफिक हो गया है एंड वी हैव टू वेट हेयर, तो इस तरह से जो है डिले हो रहा है। अगर आप लोग को निकलना हो कहीं भी आउट स्टेशन, तो आप हमेशा या तो अर्ली मॉर्निंग निकलिए या तो आप रात में ही निकल जाइए। उस टाइम जो है ट्रैफिक कम रहता है, ये 9-10 बजे के आसपास और शाम को 4-5 बजे, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और दिन में धूप भी बहुत होती है। तो जब बेस्ट टाइम है वो है आपका अर्ली मॉर्निंग एट 5 के आसपास आप आराम से निकलिए। तो गुड़गांव हम पहुंचेंगे तो हमें वहाँ पे दिल्ली से जयपुर तक में 3 से 4 टोल बूथ आते हैं और कॉस्ट आपको अराउंड 300 पूरा पड़ जाता है। अब तो फास्ट टैग हो गया है तो उसमें से ही आपका कट हो जाता है। आई एम टेलिंग यू अप्रॉक्स जितना भी है पूरा। एंड जो डिस्टेंस है वो 269 टू 270 किलोमीटर है दिल्ली टू जयपुर का। एंड अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आपको 4.5 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे, और अगर आप बाय प्लेन जाएंगे तो आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, और अगर आप बस वगैरह से जाएंगे तो आपको 6 घंटे के आसपास आराम से लग जाएंगे। एंड बस की टिकट जो है गवर्नमेंट बस की जो है स्टार्टिंग से 250 से है, उसके बाद प्राइवेट बसेस जो है उनकी 800 वगैरह जितनी भी है अलग अलग उनकी है टिकट की जो प्राइस है। और प्लेन में आपको पूरा पड़ जाएगा 2100 टू 2200 स्टार्टिंग प्राइस है जो ट्रेन उसकी प्लेन के टिकट की है। और बीच में मैंने आपको भी बता ही दिया है कि आपको 4 टोल बूथ पड़ेंगे, और आप रास्ते में काफ़ी बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी होटल्स मिल जाएंगी और आप वहाँ पे आराम से रुक के आप वहाँ पे खा भी सकते हो, और वॉशरूम वगैरह आप यूज़ करना चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो। अब देखिए फास्ट टैग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, उन्होंने फास्ट टैग स्कैन कर लिया है एंड इट्स ओपन एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड। ये हमारा पहला टोल बूथ था, सॉरी। उसके बाद इस तरह से हमारे 3 टोल बूथ आए थे। हाँ याद आ गया मुझे, 3 थे एग्जैक्टली। सो 3 टोल बूथ हम क्रॉस करके गए थे, हम जयपुर पहुंचे थे और बीच में हम रुके थे होटल हाईवे किंग पे, और उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, आप ज़रूर देखिएगा। लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी होटल हाईवे किंग की वीडियो, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। और ये वाला देखिए जो टोल बूथ है, इन्होंने सिर्फ 2 लाइंस जो हैं वो इन्होंने एक्टिव कर रखी हैं, बाकी सारी इन्होंने बंद कर रखा है। ये मैंने एक ही टोल बूथ पे ऐसा था, बाकी में तो सारे सारे चल रहे थे। और धूप हल्की है अभी क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हुआ हुआ है। अच्छा क्या, हवा ठंडी है, आई विल सी दैट। बस यही मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी दिल्ली टू जयपुर का। अगर आप रोड बाय रोड जाओ तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। राजस्थान पहुँच के वहाँ की भी कुछ अलग अलग वीडियोज़ में बनाने वाली हूँ और वो भी अपलोड करने वाली हूँ। और मेरे होटल हाईवे किंग की ज़रूर देखिएगा जो हम बीच में रुके थे, मैंने अपना फीडबैक भी उसमें दिया है कि जैसा भी रहा हमारा एक्सपीरियंस उसके बारे में। एंड फाइनली हम 3rd टोल बूथ जो है वो भी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे हम 3rd टोल बूथ क्रॉस कर रहे हैं, हमने कर लिया है। एंड नाउ फाइनली वी हैव रीच जयपुर। हम इस टाइम दिल्ली जयपुर के हाईवे पे हैं, हम जयपुर पहुंच चुके हैं। एंड लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ये पूरा जो था पूरे में प्लांट था, अभी थोड़े कम प्लांट हो गए हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है ये जयपुर लिखा हुआ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड्स।